गदाधर, सच और झूठ का फैसला तो बाद में होगा। सिर्फ इतना बताओ कि तुम पर हमला किसने किया था? मुझे किसी ने घायल नहीं किया दादा। और ये चोट तो मैं जब भागते भागते वहां पहुंचा तो मेरा पैर टकरा गया और मैं सर के बल गिर गया, इसलिए ये चोट आ गई। बाकी हमला तो किसी ने नहीं किया। क्या आपको कुछ कहना है इसमें? अपनी सफाई में, अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं आप? वही जो हुआ और जो मैंने आपको बताया, मेरे कमरे के बाहर कुछ लोगों की परछाई दिखी मुझे। पीछा करते करते जब मैं भंडार घर पहुंची, वहां जाते ही मैंने देखा कि तब तो कुछ बोली नहीं। कहीं अब अपना मुंह ना खोल दे मेरे और अंबा के बारे में। क्या देखा आपने? कुछ लोगों ने मुझे वहां जाते ही घेर लिया और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था। और जैसे ही गदाधर जी आए, वो लोग भाग गए। कोई नहीं भागा, कोई भागने वाला था ही नहीं, तो कैसे कोई भागता? और राजकुमारी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं सबके सामने? देखिए राजकुमारी जी, अगर आप कुछ सच छुपा रही हो, आप बताना चाहती हो, तो आप बता दीजिए। बख्शी जगबंधु कभी अन्याय नहीं करते, बोल के देखिए। मैंने कहा ना, कोई तो था जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। ये रोडंग है कल्याणी जी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इतने सालों से आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोडंग के अंदर घुसकर हमला कर दे, और आप कह रही हैं आपके आते साथ ही ऐसा हो गया। कोई नहीं आया, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। आज्ञा। प्रणाम आज्ञा। कल जो घटना हुई उसके बारे में ये किलेदार आपसे कुछ कहना चाहता है। आज्ञा है। इस तरह परिसभा में बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ आज्ञा, लेकिन ये बात बताना जरूरी था। कल्याणी जी सच कह रही, कल रात हमला करने के लिए कोई आया था। उसने हमला किया भी था और गदाधर जी के आने से पहले ही वो वहां से भाग गया। लेकिन तुम्हें सब कैसे पता? क्योंकि वो हमलावर मैं ही था। लेकिन यह हमला तुमने किया क्यों किया तुमने यह हमला? क्योंकि मुझे कहा गया था हमला करने के लिए। किसने कहा था तुमसे? किसने कहा था तुमसे? कल्याणी जी ने इन्होंने इन्हीं पे हमला करने के लिए कहा। जी आज्ञा,
उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए उसकी कीमत भी दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इनको किसी ने भेजा है और मेरा नाम लगाया जा रहा है। ये सच है या नहीं, ये आपको साबित करना होगा। अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो इस झूठ परी और अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करने के पीछे इसका क्या मकसद है। सबूत के तौर पर इसने जो भी पेश किया है वो सामान मेरा जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता इसके पास कहां से आया। लेकिन इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे ही सामान को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे हैरानी भी है और अफसोस भी कि मुझ पर विश्वास करने की बजाय एक किलेदार की बात सुनकर मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि आपने मुझे दोषी मान लिया है। आप ही की हमले वाली बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब इस बात का एक दूसरा पहलू सामने आया जिसे मैं नकार नहीं सकता। और मेरे प्रति जो विश्वास है उसे एक पल में नकार सकते हैं आप। बस इतना ही जानते हैं आप मुझे। नहीं, आपको जानता हूं, पहचानता हूं, लेकिन वो क्या है कि न्याय की कुर्सी रिश्ते संबंध नाते सबसे बहुत ऊंची होती है। मेरा किसी पर विश्वास होना काफी नहीं है, लेकिन उस विश्वास पर सबूत की मोहर होना वो जरूरी है। ठीक है, साबित करूंगी मैं, फिर मोहर आप खुद लगा लेना। तो ठीक है, आज से ठीक 7 दिन के अंदर अंदर मोड़म्बा की राजकुमारी कल्याणी को यहां इस दरबार में फिर से अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उन्हें रोड़ंग का अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और बाकी का जीवन रोड़ंग की कालकोठरी में बिताना होगा। और तुम लोभ के चक्कर में तुमने गद्दारी की है, तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। क्षमा आज्ञा, क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरी भूल हो गई, क्षमा आज्ञा, क्षमा कर दीजिए आज्ञा, क्षमा कर दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।